देखिए उस टाइम पे अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मत पढ़ी, फिर छोड़ दीजिए, थोड़ा बाहर चले जाइए, कुछ टीवी सीरीज़ देख लीजिए, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लीजिए। अगर उस मोड में आप पढ़ेंगे तो कुछ दिमाग में जा नहीं रहा है आपके, तो बेसिकली आपका दिमाग आपको कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, तो उसको फिर आराम दे दीजिए। उसको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मैटर करती है आवर से, तो मैं अपनी मदर से बात कर लेती थी, अपने फ्रेंड से घूमने चली जाती हूँ, कुछ खा लेती हूँ अच्छा मन का, आराम कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद वापस डेस्क पे आके बैठ जाती हूँ अपने पढ़ने के लिए। इस समय हिप हॉप डांसिंग में बहुत मेरा इंटरेस्ट रहता है, खुद से ही खुद को ही कोरियोग्राफ करती हूँ मैं, और टीवी सीरीज़ खूब देखती हूँ जम के, यही है मेरी हॉबीज़। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मैथ्स में की लेडी श्री राम कॉलेज से, हाँ डी यू से। प्रीलिम्स की मैंने तैयारी, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट मुझसे मेरी सिविल सेवा में बहुत लंबी तैयारी चल ही रही थी, तो उस हिसाब से मैंने बीपीएससी में सिर्फ करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस किया था, और मैंने बिहार स्पेसिफिक के ऊपर बहुत फोकस किया था प्रीलिम्स के लिए, और जीएस के लिए जो हमारी यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मैं फॉलो कर ही रही थी, तो उसका मुझे वहाँ पे फ़ायदा मिला जीएस के लिए। आंसर राइटिंग वगैरह कैसे किया था आपने? मेरे साथ आंसर राइटिंग का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मेरे को बस जब रिजल्ट आया उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, तो सिर्फ 1.5 मंथ्स बचे थे मेरे पास, तो मैंने बस एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी कहीं और पे, और उनका बस एक टेस्ट लिखा, फिर मैंने नोटिस किया कि मैं स्ट्रक्चर वगैरह बना ले रही हूँ आंसर का अच्छे से, उसके बाद मुझे कंटेंट हो गई, मैं उसके बाद ज़्यादा आंसर लिखा नहीं, मैंने मेन सिलेबस कवर करने पे फोकस किया था। तो मेरी फ्रेंड ने फ़ोन करके बताया कि रिजल्ट आ गया, तो मैं सबसे पहले खोल के देखा, फिर मैंने नाम टाइप किया, तो मैंने ही खुद का रिजल्ट देखा, मुझे पेरेंट्स को पता भी नहीं था, फिर मैं फ़ोन करके बताई कि हो गया है सबका, ये पोस्ट मिली है, तो बहुत अच्छा लगा। तो पीडीएफ तो मैंने ही खोली थी सबसे पहले। बुक लिस्ट में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी ही है, हिस्ट्री के लिए आपकी ओल्ड एनसीईआरटी चलती है, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम आईएएस की बुक पढ़ी थी। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे साथ सौम्या सिंह मैम बैठी हुई है। मैम का सिलेक्शन 67 बीपीएससी में फाइनल रूप से हो चुका है। इनसे आज हम पूछने वाले हैं कि मैम ने कैसे कैसे तैयारी किया, कौन सी किताबें पढ़ी, क्या स्ट्रगल रहा, सब कुछ के बारे में। यदि आप लोग नया है तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा लग रहा है इस वक्त मैम आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है और खुशी भी हो रही है साथ में। जी मैम, आप शुरुआत से अपना नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ बताइए। तो मेरा नाम सौम्या सिंह है, मैं ग्रेजुएशन मैथ्स में की लेडी श्री राम कॉलेज से, डीयू से। हाँ डीयू से। अभी मैं करेंटली लॉ भी परस्यू कर रही हूँ कैंपस लॉ सेंटर डीयू से ही, और साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर रही हूँ। ओके मैम, तो मैम कौन सा प्रयास था आपका ये? बीपीएससी मेरा पहला ही प्रयास था ये, जी। और यूपीएससी वगैरह मेरा 2-3 प्रयास चल रहा है अभी। जी, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी था बीपीएससी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, स्ट्रेटजी वगैरह बताइए अपनी। प्रीलिम्स की मैंने तैयारी, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट मुझसे मेरी सिविल सेवा में बहुत लंबी तैयारी चल ही रही थी, तो उस हिसाब से मैंने बीपीएससी में सिर्फ करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस किया था, और मैंने बिहार स्पेसिफिक के ऊपर बहुत फोकस किया था प्रीलिम्स के लिए, और जीएस के लिए जो हमारी यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मैं फॉलो कर ही रही थी, तो उसका मुझे वहाँ पे फ़ायदा मिला जीएस के लिए। आंसर राइटिंग वगैरह कैसे किया था आपने? मेरे साथ आंसर राइटिंग का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मेरे को बस जब रिजल्ट आया उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, तो सिर्फ 1.5 मंथ्स बचे थे मेरे पास, तो मैंने बस एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी कहीं और पे, और उनका बस एक टेस्ट लिखा, फिर मैंने नोटिस किया कि मैं स्ट्रक्चर वगैरह बना ले रही हूँ आंसर का अच्छे से, उसके बाद मुझे कंटेंट हो गई, मैं उसके बाद ज़्यादा आंसर लिखा नहीं, मैंने मेन सिलेबस कवर करने पर फोकस किया था। ओके मैम, परफेक्शन आईएएस का कुछ योगदान रहा आपके सिलेक्शन में? हाँ, परफेक्शन आईएएस के लिए मैंने मटेरियल यूज़ किए थे, मेंस एनालाइजर और इनकी करंट अफेयर्स मैगजीन बहुत ही वेल रिसर्च्ड है, बहुत डेटा अच्छे से रखा हुआ है उसमें। उसके बाद इंटरव्यू में करंट परफेक्शन का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जा रहे थे, और इंटरव्यू बोर्ड ने बहुत अच्छा माहौल भी बनाया था, कोऑपरेटिव भी था, और थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट करते थे, तो परफेक्शन का काफ़ी योगदान रहा है एंड तक मेरे में। ओके मैम, मैम जब रिजल्ट आया था सबसे पहले आपका पीडीएफ किसने देखा, वो फीलिंग कैसी थी पूरी? मैं जब रिजल्ट आया मैं टीवी सीरीज़ देख रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने फ़ोन करके बताया कि रिजल्ट आ गया, तो मैं सबसे पहले खोल के देखा, फिर मैंने नाम टाइप किया, तो मैंने ही खुद का रिजल्ट देखा, मुझे पेरेंट्स को पता भी नहीं था, फिर मैं फ़ोन करके बताई कि हो गया है सबका, ये पोस्ट मिली है, तो बहुत अच्छा लगा। तो पीडीएफ तो मैंने ही खोली थी सबसे पहले। अपनी बुक लिस्ट वगैरह बता दीजिए कि आपकी कौन कौन सी बेसिक बुकें पढ़ी आपने। बुक लिस्ट में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी ही है, हिस्ट्री के लिए आपकी ओल्ड एनसीईआरटी चलती है, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम आईएएस की बुक पढ़ी थी, करंट अफेयर्स के लिए मैंने केबीसी नैनो की जो मैगज़ीन आती है वो पढ़ी, और परफेक्शन आईएएस की भी मैगज़ीन मैंने पढ़ी थी। मेंस में केबीसी नैनो की एक बिहार समग्र आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं सिर्फ बिहार के लिए, और उसके साथ उसके अलावा मैंने अच्छे से रिसर्च किया था, और एक बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला भी है, उनका कुछ कुछ वीडियोस फॉलो किए थे मैंने
तैयारी करते वक्त, तो काफ़ी सोर्सेज वेल रिसर्च नेट से लिए थे मैंने। ओके मैम, मैम आप पूरे दिन का टाइम टेबल बताइए, जैसे कि आप CLC में पढ़ रहे हो अभी लॉ फैकल्टी में, तो फिर कॉलेज के साथ कैसे पढ़ाई मैनेज करती थी? मेरा टाइम मैनेजमेंट, मैं सिर्फ आवर्स पे फोकस नहीं करती, मैं टास्क रखती हूँ अपने कि आज मुझे ये करना है। कॉलेज में ब्रेक मिला तो पढ़ लिया जैसे कि? हाँ, जैसे कॉलेज में क्लासेस उतनी लगती नहीं, 2-3 क्लास लग गई तो उसमें मैं फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करूँगी, मेरा वही स्ट्रेस रिलीफ होता है। फिर मैं घर आऊँगी, खाना खा के आराम से पढ़ने बैठूँगी, 2-3 घंटे पढ़ूंगी, फिर जाऊँगी वॉक करूँगी, फिर आके पढ़ूँगी। तो सुबह थोड़ा 2 घंटे पढ़ लिया कॉलेज जाने से पहले, फिर कॉलेज गए, एंजॉय किया, वापस आए, 3-4 घंटा वहाँ ले लिया, फिर रात को खाने के बाद 3-4 घंटा हो गया, तो 8-9 घंटे ऐसे हो जाते हैं टाइम मैनेज ऐसे। ओके मैम, नए बच्चे जो BBSC करना चाहते हैं, PCS करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए पहले तो आप सिलेबस जा करके देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अगर आप उस आधार से अलाइन नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा, आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें। फिर अपनी बुक लिस्ट आप तय कर लीजिए कि ये मेरी बुक लिस्ट है, इसके बाहर मैं नहीं जाऊँगा, इसी को बार बार रिवाइज करना है। और ढेर सारी टेस्ट सीरीज अपना प्रैक्टिस करते रहिए, अगर आपकी आंसर राइटिंग नहीं है अच्छी तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, तो वही आप कितने रिविजन कर सकते हैं और कितना अच्छे आंसर लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, वही आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर है। आंसर राइटिंग की शुरुआत पहले कैसे करना चाहिए, देख देख के या शुरुआत में, या फिर कैसे करना चाहिए शुरू में? अगर शुरू में आप, जैसे आपको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पढ़ते हुए, तो आप देख के कर सकते हैं उसको, बट आगे चल के जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ जाएंगे, आपके पास कंटेंट बिल्डअप होता जाएगा, तो आप फिर अपने आप बिना देखे लिखना शुरू करेंगे, आपके दिमाग में अपने आप आने लग जाएंगे पॉइंट्स की हाँ ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो शुरू में आप देख के लिखिए, आगे चल के आप खुद से बनाने की कोशिश करिए तो अपने आप उसमें हो जाएगा, इंट्रोडक्शन वगैरह लिख लेंगे सब आराम से। ओके, इंटरव्यू में क्या सब पूछा गया था आपसे क्वेश्चन वहाँ पे? इंटरव्यू बोर्ड मेरे से पहले DU के बारे में पूछा गया कि कितने कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके डीन कौन है। फिर मेरे से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट क्या हावी हो रही है एग्जीक्यूटिव पे, फिर सेम सेक्स मैरिज पे, LGBTQ की आइडेंटिटी पे, बिहार के प्रोहिबिशन पे। मेरा हिप हॉप था तो हिप हॉप डांसिंग था मेरा हॉबी, तो उन्होंने बीटल्स के बारे में पूछा था कि कौन कौन सिंगर्स हैं, कौन से गाने हैं उनके, यही सब उन्होंने सेम सेक्स मैरिज वगैरह पूछा था। और बेसिक सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन के बारे में, चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में, ये सब। ओके, ऐसे मैम आप DU से पढ़ाई करिए, DU से पढ़ाई करने का कोई फायदा लगा आपको इस एग्जाम प्रिपरेशन में या नहीं? DU से जो भी आप लॉ में या कहीं पे भी पढ़ते हो, किसी ना किसी तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप लीगल पर्सपेक्टिव डालते पॉलिटी में, आपको नंबर ही मिलेंगे, वो नंबर काटेंगे नहीं आपके वहाँ पे कि ऐसे केस लॉ डाल दिया आपने पॉलिटी के आंसर को जेनरिक ना लगने के लिए, उसका फ़ायदा। ऊपर से आप जैसे कॉलेज भी जाएंगे तो आप थोड़ा हमेशा पढ़ाई के मोड में रहेंगे, आप होता नहीं है छुट्टी नहीं ले सकते, आपको मोड रहेगा कि चलो कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो उससे आपकी स्पीड रीडिंग बढ़ती है, पढ़ने की क्षमता, और ऊपर से आगे चल के ना आपको ब्रेक नहीं होता है, जो पढ़ाई में ब्रेक नहीं आना चाहिए, तो वो चीज़ सही रहती है, फ्लो में okay. रहते हो आप। मैम NCERT का क्या योगदान है इस एग्जाम में, क्या बिना NCERT पढ़े सिलेक्शन लिया जा सकता है या फिर NCERT पढ़ना ही पड़ेगा? कुछ सब्जेक्ट्स के NCERT तो बहुत अच्छी हैं, जैसे ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की, 6-7 से इसको आप पढ़ सकते हो, पॉलिटी की आप छोड़ सकते हो, सिर्फ NCERT के आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा। पर अगर आप NCERT एक लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब आप पढ़ोगे उसको तो शॉर्ट कुछ तो फंसेगा उसमें, तो जो चीज़ तय है यानी उसको आप छोड़ के नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि जो पढ़ के आया है वो आपसे ज़्यादा स्कोर करेगा। तो NCERT पढ़ना है, वो बोझा नहीं, बहुत लाइट रीड है, उसको आराम से पढ़ के नोट्स बना लीजिए, बहुत उसके बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स ही देगा वो आपको कहीं। ओके okay. इस एग्जाम के लिए मैम मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? देखिए मोटिवेशन से ज़्यादा मैं डिसिप्लिन पर रिलाई करती हूँ। जैसे आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, तो आपको कोई मोटिवेट थोड़ी करता है, वो आपका डिसिप्लिन है, हैबिट है। तो मेरा ये रहता है कि जिस दिन मैं अच्छे मूड में होती हूँ उस दिन मैं 8 घंटे पढ़ूंगी, जिस दिन मैं दुखी हूँ, अच्छा मूड नहीं है तो 6 घंटे पढ़ूंगी, पर मैं पढ़ूंगी क्योंकि मेरा वो हैबिट में आ जाना चाहिए वो चीज़। तो मोटिवेशन तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली प्रोवाइड करती है, खुद को मोटिवेट कर लेते हैं आप थोड़ा इधर उधर कोर्स पढ़ के, पर वो कांस्टेंट नहीं है। आप डिसिप्लिन पे फोकस करिए कि एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना ही है, चाहे जैसा लगे वैसा, ये okay. वाला एटीट्यूड है। जैसे कि मैम आप प्लान बी लेके चल रही थी, लॉ कर रही थी, तो इस एग्जाम में मतलब प्लान बी रखना चाहिए नहीं? देखिए मैं एक अटेम्प्ट देख के आई थी UPSC में, मेरा हुआ नहीं, तब मैंने प्लान बी की तरफ में गई लॉ, मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब लॉ में मेरा इंटरेस्ट भी है। तो आप अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप रख सकते हैं इस चीज़ को, आप बस ये मत सोचिएगा कि अगर मैं प्लान बी लेके चल रहा हूँ तो मेरा इसमें नहीं होगा। आप अगर सोच लेंगे ना कि नहीं होगा फिर नहीं होगा, आप ये सोचिए ये भी करें हो जाएगा, काफ़ी लोग कर लेते हैं। तो मैंने भी यही किया था, प्लान बी रखना कोई बुराई की बात नहीं है, रख सकते हैं आप आराम से। मैम क्या PCS के साथ साथ UPSC की तैयारी संभव है या नहीं? मैं तो बोलूँगी आप संभव क्या, बहुत आराम से हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि
अगर आप यूपीएससी देंगे उसके बाद पीसीएस देंगे तो कम से कम आप साल में दो बार एग्ज़ाम मोड में जाएंगे, जो दिमाग में बनता है ना कि एग्ज़ाम देना है, वो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जब आप, अगर आपका पीसीएस हो गया तो आप यूपीएससी में थोड़ा रिलैक्स्ड होकर बैठ पाएंगे कि चलो एक जॉब हमारे पास है या हमने पीसीएस का मेंस लिखा है। जैसे मैं यूपीएससी का मेंस लिखी इस बार तो मेरे मन में था चलो बीपीएससी का मेंस लिखा है तो ऐसा नहीं कोई बहुत नई चीज़ हो रही है। इस बार यूपीएससी की भी मेंस लिखी? हाँ, इस बार लिखा है मैंने। अभी रिजल्ट तो आया नहीं है? अभी नहीं आया है। तो वही, तो बहुत आराम से मैनेजेबल है। दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ाई करिए और अपने साथ ऑनेस्ट रहिए कि हम कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम, आपने बताया कि यूपीएससी का भी आप मेंस लिखे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई के दौरान यूपीएससी या पीसीएस को भी पढ़ाए हो, अचानक से मन नहीं लगता है, तो उस वक्त आप क्या करती थी? मतलब जैसे किसी दिन बहुत डिमोटिवेशन लगता है, डिप्रेशन लगता है? हाँ, देखिए उस टाइम पे अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मत पढ़ी फिर छोड़ दीजिए, थोड़ा बाहर चले जाइए, कुछ टीवी सीरीज देख लीजिए, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लीजिए। अगर उस मोड में आप पढ़ेंगे तो कुछ दिमाग में जा नहीं रहा है आपके, तो बेसिकली आपका दिमाग आपको कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, तो उसको फिर आराम दे दीजिए। उसको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मैटर करती है आवर से। तो मैं अपनी मदर से बात कर लेती थी, अपने फ्रेंड से घूमने चली जाती हूँ, कुछ खा लेती हूँ अच्छा मन का, आराम कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद वापस डेस्क पे आके बैठ जाती हूँ अपने पढ़ने के लिए। ओके मैम, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए। हॉबीज़ तो मैं हिप हॉप डांसिंग में बहुत मेरा इंटरेस्ट रहता है, खुद से ही खुद को ही कोरियोग्राफ करती हूँ मैं, और टीवी सीरीज़ खूब देखती हूँ जम के, यही है मेरी हॉबीज़। जी, सोशल मीडिया मतलब कितना इस्तेमाल करती थी आप? मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब? जैसे मैं सोशल मीडिया डीएक्टिवेट ही रखती हूँ अपना। शुरू में जैसे कॉलेज टाइम तो बहुत यूज़ किया था मैंने, उसके बाद मुझे लगा कि शुरुआत मुझ टाइम पे तो फेसबुक इंस्टाग्राम आया था, तब तो कोई नहीं। हाँ, तब तो बहुत मैं, लेकिन जब मैं सिविल सर्विस में घुसी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर, अगर आपको नहीं कर रहा है तो फिर आप मत हटाइए, बट मुझे लगा मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ तो मैंने हटाया था। और अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं, मतलब मेरा वापस जाने का ज़्यादा मन भी नहीं करता है उस पर। न्यूज़पेपर का मैम क्या योगदान है? न्यूज़पेपर के बिना तो इनकम्प्लीट मानती हूँ मैं। अगर आपको पता ही नहीं देश दुनिया में क्या चल रहा है तो आप सिविल सर्विस में कैसे आ सकते हो? तो न्यूज़पेपर का ये है कि आप जब आंसर लिखने बैठते हो एग्जाम हॉल में तो आपको बुक को याद आए ना आए, पर जो न्यूज़ में चल रहा है ना आपको क्लिक करेगा वहाँ पे, क्योंकि आप उसको 4-5 बार देख चुके हो दिन में। इसलिए मैं कहूँगी न्यूज़पेपर का तो बहुत ज़्यादा योगदान है, उसको तो एक चुन के आप अच्छे से उसको पढ़िए, बहुत बहुत फ़ायदा होगा मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, प्रीलिम्स में भी। मैम, कोचिंग आजकल जैसे कि ऑनलाइन बहुत कुछ हो गया है, तो आप क्या कहना चाहोगी उस पर ऑनलाइन के बारे में? पहले जैसा कि ऑफलाइन हुआ करते मुखर्जी नगर, करोल बाग। देखिए ऑनलाइन के भी अपने फ़ायदे हैं। जैसे मुझे लगता है जब टाइम क्रंच होती है, जैसे मेरे पास 1.5 महीना था बस मेंस की तैयारी के लिए, तो मैं स्पीड पे करके देखती थी, ये मैं ऑफलाइन में नहीं कर सकती, मुझे उतना टाइम देना पड़ेगा, फिर आने जाने का भी टाइम जाता है। तो अगर आपको टाइम सेव करना तो ऑनलाइन उसके लिए बहुत अच्छा है। पर अगर आपको लगता है कि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो कि आप क्लास देखने जा रहे हैं पर आप इंस्टाग्राम खोल दे रहे हैं दूसरी टैब पे, तो इस मामले में फिर मैं बोलूँगी ऑफलाइन ज़रूरी। अगर लॉन्ग टर्म की क्लासेस लेनी है 1 साल तो ऑफलाइन बहुत अच्छा है, आप टीचर्स इंटरेक्ट करने को मिलता है, बट अगर 2-3 महीने का कोर्स है तो ऑनलाइन ठीक है, अच्छा है, अच्छा ऑप्शन है। ओके मैम, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, वेलकम।